तो लेकिन ये इतना तो निर्धारण हो ही गया कि मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो 75,000 साल पहले पुरानी ज़्यादा नहीं है। उसी में सारे प्रकार की सभ्यताओं का विकास होता है, स्टोन एज भी उसी में, सब कुछ उसी के अंदर आता है। और जो लिखित इतिहास मिलता है वो भगवान बुद्ध से ही प्रारंभ होता है, जैनिस से, जैनिस थोड़ा सा ज़्यादा पुराने हैं, दोनों का काल बराबर है, लेकिन जैनिस में थोड़ा सा उनसे पहले का है। जैनिस ज़्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने अपने इतिहास बहुत कायदे से लिख रखा, लेकिन फिर भी जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सब सभ्यताएँ मिलती हैं उसमें जो लेखनी प्रयोग की गई है, जो भाषा प्रयोग की गई है, चित्रलिपि है, वो चित्र के माध्यम से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चित्रलिपि से बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती क्या लिखा हुआ है, लेकिन उस समय जो भाव चलता था उसी भाव उन्होंने लिखा है, चित्र बनाया है। धीरे धीरे भगवान बुद्ध के समय भी लिपि नहीं थी, चित्रलिपि के बाद अक्षरी लिपि का उत्पन्न होता है। सम्राट अशोक महान ने सबसे पहले भारत में अक्षरी लिपि का आविष्कार किया। एक लिपि और चलती है, संस्कृत चलती है, जैसे अलिफ बे देव है, अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन जब लिखेंगे शब्द लिखेंगे तो दो शब्दों को मिला दिया जाता है। लेकिन नागरी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, सारे अक्षर अलग लिखे जाते हैं और उनको मिला के पढ़ा जाता है। तो जो अक्षरिक लिपि है, अक्षरिक लिपि का आविष्कार सबसे पहले सम्राट अशोक महान ने किया। भगवान बुद्ध से मेरे लैंग्वेज थी नहीं, उनकी बातें उस समय लिखी नहीं गई, लोग याद करते थे अगले को सुनाते थे, याद करते थे अगले को सुनाते थे। और उस समय भगवान बुद्ध की मृत्यु के कुछ महीनों बाद प्रथम संगीत हुई थी, द्वितीय संगीत, सम्राट अशोक के समय तीसरी संगीत। संगीत मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, और उस कॉन्फ्रेंस में उन चीज़ों को याद किया जाता है कि जो उन्होंने कहा है वो चीज़ शुद्ध रूप में मौजूद है कि नहीं, एक दूसरे से पूछते थे, बताते थे और उसको परिमार्जित करते हुए कंठस्थ कर लेते थे। सम्राट अशोक इतने महान सम्राट थे कि उनके पिता के पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 16 महाजनपद है यहाँ पे, पहले भारत ऐसा नहीं था, इसे बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे, उसमें हमारा देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, सारे के राजा अलग थे, एक दूसरे से जो भी कुछ का एक दूसरे से पड़ती थी, कुछ नहीं पड़ती थी, कुछ में लड़ाई होती थी और कुछ में आपस में संबंध था, कुछ में नहीं था, इस प्रकार से 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत करके एक में मिला दिया, केवल कलिंग उनसे छूट गया था। उनके पुत्र बिंदुसार होते हैं और उनके बाद सम्राट अशोक आते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, चंडाशोक से धम्माशोक हो गए, सिर्फ कहा जाता है लेकिन नहीं, कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो 4 वर्ष वो बुद्धिज्म में तपे हुए थे तब उन्होंने किया था। ये चीज़ें तब ज्ञात होती हैं जब उनके शिलालेख पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इतना बड़ा राज्य है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब उसमें समाहित था, इतने बड़े राज्य को चलाना हमारी बात, वहाँ पर पैसे को टेलीफोन तो था नहीं, कोई संवाद का साधन था नहीं, तो उन्होंने बड़े बड़े शिलालेख लिखवाए। अब वहाँ लिखे गए या लिख करके पहुँचाए अब ये चीज़ें ज्ञात नहीं है, लेकिन पूरे राज्य में उन्होंने शिलालेखों में वो भाषा लिख करके, लिपि पर लिख करके पूरे देश में फैला दिया। और जो बॉर्डर के एरिया थे वो उनको उस भाषा में लिखवाया जो उनके पड़ोस के देशों में चलती थी, ताकि मेरी बात जो है हमारे पड़ोसी भी समझ जाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। भारत के अंदर जो लिपि थी अलग थी, जो बॉर्डर के एरिया में थी उसमें अलग लिपि इस्तेमाल की गई है, अरामाइक इस्तेमाल की गई है, ताकि पड़ोसी राज्य भी हमारी भाषा को समझ जाए, हमारे मंतव्य को समझ जाए। इस प्रकार से पूरे अपने साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने जितना उनका राज्य था उसमें उन्होंने वो शिलालेख गढ़वाए। मैं थोड़ा इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग पीछे के इतिहास को जान लें, समझ लें। शिलालेख के बाद 10 सम्राट अशोक के प्रतियों को कुल मिला करके 10 मौर्य काल के राजा होते हैं। उस समय बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का नींव रखी गई, नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय की उनकी नींव रखी गई, धीरे धीरे और परिमार्जित होते गए। और नालंदा उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, 10,000 परीक्षार्थी पढ़े, 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, सारे हॉस्टलर थे और 2,000 टीचर थे, यानी टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 5:1 का था। और उसमें
शिक्षा ग्रहण करने के लिए द्वारपाल होता था, इतना काबिल होता था कि गेट पे ही परीक्षा ले लिया करता था। केवल 30% लोग ही जो है प्रवेश पाते थे, बाकी को लौटा दिया जाता था। उस समय पूरे विश्व से लोग हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आखिरी सम्राट सम्राट हर्षवर्धन होते हैं, करीब 700-800 सालों का काल है जब तक वो दिन जाना जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो गया। सम्राट अशोक के बारे में धीरे धीरे लोग भूल गए, उन्हें बुला भी दिया गया क्योंकि भाषा उनके लेख धीरे धीरे परिमार्जित होते गए, लेकिन उनका जो शिलालेख था वो जमीन में दब गया या तोड़ फोड़ दिया गया या टूट गया या जमीन में धीरे धीरे दब गया, मतलब एकदम समाप्त हो गया। आज के करीब 200 वर्ष पूर्व ने देखा कि लिपि क्या है। उनकी अच्छी आदत ये थी, जो इस देश में रहते थे वहाँ की देश की आबो हवा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में लिख करके वो एक जर्नल बनाते थे, और वो जर्नल अपने यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। जब हम लोगों ने अपना इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो सबसे पहले पिछले साल जून में हमने आग्रह किया कि जो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महिंद हैं, इनके अवशेष कहाँ हैं, श्रीलंका वालों से पूछा गया। तो हम लोगों ने कहा कि अगर हमको पता लग जाता है तो हम उसका प्रयास करेंगे उनके अवशेष भारत लाने का। तो श्रीलंका से जवाब आया कि भारत में पहली बार किसी ने हम लोगों को पूछा, पहली बार भारत से संवाद आ रहा है कि सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्रियों के अवशेष कहाँ हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, बहुत खुश हुए कि भारत से किसी ने तो हमसे संवाद किया, और उसके बाद ये बताने में असमर्थ रहे कि हमारा चूंकि लिखते का युद्ध चल रहा था, हम लोगों को खुद नहीं पता कि उनके अवशेष कहाँ हैं। ऐसा जवाब आया, मतलब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जब अंग्रेजों ने उसको पढ़ने की कोशिश की तो उसको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सम्राट अशोक इतने विनम्र थे कि किसी भी शिलालेख में नीचे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, किसी भी शिलालेख में नाम नहीं लिखा। 86,000 स्तूप बनवाए थे, बहुत सारे शिलालेख हैं, अभी तक केवल 150 शिलालेख मिले। उस शिलालेख की भाषा को जब पढ़ा तो उन्होंने नाम नहीं लिखा था। आज कोई आदमी छोटा अधिकारी भी दस्तखत करता है तो कहते भैया मोहर लगा दो इसमें, आज्ञा से लिखा रहेगा, दस्तखत करेगा, पदनाम लिखा रहेगा, उसके बाद ही मोहर लगाएगा ताकि बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाए। सम्राट अशोक इतने लिबरल थे, महान थे, कहीं नाम तक नहीं लिखा, मोहर लगाने के बाद दूर है, तो उनका पता ही नहीं लगा कि इसका लिखा हुआ है। लेकिन अंग्रेजों का राज चूँकि पड़ोसी देश में भी था, और चूँकि जो आर्माइक में लिखा था पड़ोसी राज्यों से भी, वहाँ भी अंग्रेजों का राज बहुत दूर तक था, तो एक दूसरे से उन्होंने संवाद किया कि भाई ये जहाँ पर लिखा मिला हुआ है ये आया कहाँ से। तो लोगों ने बताया कि ये किसी बहुत महान राजा का लिखा हुआ है, कौन था पता नहीं लग पाया। फिर उन्होंने श्रीलंका वालों से पूछा, उन्होंने कहा आप यहाँ के संघमित्रा और महिंद्रा आए थे यहाँ पे, और उनका भी यहाँ लेख मिलता है तो इसे टैली करता है, इससे ये पता लगा कि ये सम्राट अशोक का लिखा हुआ है। फिर इन चीज़ों को जब पढ़ा जाता है तो 150 शिलालेखों में इतनी बात सामने आती है, इतनी बात सामने आती है कि हम लोगों को खुद आश्चर्य होता है कि उनका विचार कैसा था। अभी तक क्या होता है कि शिलालेख का हम अनुवाद पढ़ते हैं, जब हम अब जो हैं जब लिपि को जान गए हैं, पढ़ना सीख गए हैं, इलाहाबाद में पढ़ाता हूँ, हमारे 22 क्लास हो चुके हैं, तमाम स्टूडेंट में वहाँ पाते हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर भी आते हैं। अभी पिछली बार संडे को हुआ था, 2-3 डॉक्टर आए थे, कुछ स्टूडेंट भी आते हैं, रिसर्च स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो एक महीना वहाँ पढ़े, वहाँ 2 महीना पढ़े, वहाँ 3 महीना पढ़े, हम इस लिपि को सीख नहीं पाए, जो आप सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक हमको पढ़ना सिखा देते हैं। हमने कहा इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप सुबह से शाम तक अपना नाम लिखना, फ़ोन नंबर लिखना, और शिलालेख को डायरेक्ट पढ़ना सीख जाते हैं। अभी हमारे साथ 8 लड़कियां भी गई थी, बुद्ध बिहार यहाँ पे रेल वहाँ पे चिलविला में 8 लड़कियां थी, उन्होंने कहा चलो नहीं होता, चलो गई पढ़ी। एक समाज ऐसा है कि अपने बच्चों को तैयार कर रहा है संस्कार करने के लिए, 8 लड़कियां वो संस्कार करने के लिए तैयार होगी, मैंने कहा चलो तो उसको पढ़ना सीख लो, और अगर आप लोग पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने भी इसकी हम व्यवस्था कर देंगे, आप इसको पढ़ाइए। उन शिलालेखों से लगता है कि इनका राज्य कैसा था, इनके विचार कैसे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब यहाँ पढ़ना चाहे उन्हें नहीं पढ़ाया गया, तो वो लंदन चले गए, उनका पहला अनुभव था
कि जब मैं भारत में रहता था तो मुझे लगता था कि कोई चीज़ हमको घेरे हुए है, जकड़े हुए है। और जब मैं लंदन की सड़कों पर चलने लगा तो मुझे लगा कि मेरा सारा घेरा जो है वो समाप्त हो गया है। कोई देखने वाला नहीं कि मैं छूट हूँ कि नहीं हूँ, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला महसूस हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जो पढ़ाई की नॉलेज ऑफ सिंबल हो गए हैं। पूरे विश्व में जो है अगर किसी को दर्जा दिया जाता है नॉलेज ऑफ सिंबल का, और फिर मेरा बेटर को दिया जाता है। इन्होंने इतना काम किया है, कि पूछिए नहीं। कितनी सारी किताबें हैं। अभी मैं पाली पढ़ने लगा तो वही पाली की डिक्शनरी ढूंढने लगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी सीरीज है इस स्पीच में, मतलब सीरीज में मुझको जो किताब मिली।